हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खुश हो, फिट हो, फाइन हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। बहुत टाइम के बाद मैं लेकर आई हूँ अपनी फेवरेट वीडियो, हॉल वीडियो। सो इस बार मैंने शॉपिंग की है पहली बार लाइफ में, पहली बार अर्बैनिक से। अर्बैनिक का जो कलेक्शन था ना, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब कि थोड़े से प्राइस हाई है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो ड्रेसेस थे ना यार, आई लव्ड। और एक से एक सारे फैशनेबल ड्रेसेस। सो यू मस्ट चेक आउट अर्बैनिक वंस। बहुत अर्बैनिक इतना हवा बना रखा है, बहुत महंगा है भी, नो डिनायल। लेकिन ना आप उसको मतलब सर्च करते रहे ना, कुछ इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आपको बिलो 1000 मिल जाएंगे ना, मतलब कि गुड डील है, एंड ब्रांडेड क्लोथ्स भी। सो यस, मुझे अर्बैनिक पे शॉपिंग करके बहुत मजा आया। आई हैव इसमें मैंने 5 से 6 विंटर वेयर्स मंगवाए हैं, लेकिन स्टाइलिश क्रॉप टॉप एंड सारी चीजें मैंने बजट में मंगाई है। औकात में रह के काम करती हूँ मैं, समझ रहे हो। सो इसके लिए तो मैं आप सभी के सामने ही इसको अनपैक करने वाली हूँ। मुझे पता ही नहीं है कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि जो भी पिक्चर्स देख रही थी ना मैं अर्बैनिक पे, आई वॉज सो सेटिस्फाइड। जो भी मैंने रिव्यूज पढ़े, आई वॉज सो सेटिस्फाइड। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग भी मैं ठीक है, मतलब ऑफकोर्स दिस इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मीशो हो गया या फिर अमेजोन हो गया, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव था। लेकिन देखते हैं कैसा लगता है, whether I keep these dresses or I just return it. So let's start. मैं बहुत excited हूँ। सबसे पहले है ये, मैं again price and picture आपको screen पे दे दूँगी, so you can check it out. So let's move. So यहाँ आता है हमारा यार, एक पता है क्या, मैंने जितनी भी चीजें मंगाई है ना, उसमें साइज का कोई ऑप्शन ही नहीं था। दैट एक सिर्फ वन साइज था, एंड वन साइज में पता नहीं कैसे आएगा, कैसे एक साइज सबको फिट आ सकता है, मुझे इसका समझ नहीं आया। सी वन साइज ही है ये, लेकिन चलो ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। पैकेजिंग तो सही है भैया। सो फर्स्ट पीस है ये, मुझे ये तो मेरी ये इतना सा है, आई होप मुझे आ जाएगा। एंड आपको पता है कि मुझे ज्यादा फिटेड कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा दम सा घुटता है, लेकिन ये देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत छोटू सा, बट लेट्स सी। एंड वैसे ना मैंने जब इसका ये कलर देखा था ना, चलो मैं खैर पहन कर आती हूँ, मैं तब आपको दे तो क्या, मैं अभी आई। ओके, सो ये है फर्स्ट पीस। ये देखने में बहुत क्यूट है, मतलब मुझे एकदम क्यूट सी वाइब आ रही है, थोड़ी सी प्रिंसेस जैसी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये मेरे साइज से थोड़ा सा छोटू है, मतलब अगर मैं चाहूँ इसको मैं सिर्फ ऐसे डालू सो शायद मैं कंफर्टेबल ना हूं, लेकिन अगर आप क्रॉप टॉप्स पहनते हो सो हाई वेस्ट जीन्स भी, वैसे यार ये बहुत ही सही लग रहा है यार, है ना। एंड इसका जो कलर था ना, मुझे इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे ये जो थोड़ा सा स्काई ब्लू पिंकिश वाला था ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड मैंने अभी बस इसको ऐसे ऊपर डाली है अंदर वाले टी शर्ट के साथ, लेकिन हाँ मैं इसको अच्छे से अगर स्टाइल करूँ लाइक यू नो व्हाइट शर्ट के ऊपर, एंड अच्छे से मेकअप में बिल्कुल हेयर स्टाइल ज्वेलरी, ये बहुत क्यूट लगेगा ना। अगर मैं बात करूँ ये गर्म है तो नहीं, तो एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि आपको ये ठंड से बचाने वाला है, बट यस यू कैन लुक सो क्यूट। एक सेकेंड, पता है मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मैं अंदर ये टी शर्ट ना पहनूं, बस मैं ये वाला जो छुटकू सा क्रॉप टॉप विंटर वेयर है उसके ऊपर ये व्हाइट ब्लेजर डालूं, बहुत प्यारा लगने वाला है, मतलब कलर मैच हो रहा है। सो एंड दूसरी बात, मुझे इसकी फिटिंग अच्छी लगी है। आई नो मुझे फिटेड कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरे बॉडी को शेप दे रहा है ना, आई लव्ड इट। इसका कलर बहुत क्यूट है, बट मैं इसको रखूंगी, रिटर्न करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि इसके लिए मैं अभी कंफ्यूज लग रही हूँ। मुझे बहुत प्यारा तो लग रहा है, बट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे इसको रखना चाहिए, इसको रिटर्न कर देना चाहिए। लेकिन बहुत क्यूट है, एकदम छोटू सी प्रिंसेस वाली, मेरे को थोड़ी सी ना वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, आई जस्ट लव्ड इट। आई गिव इट थम्स अप, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे इसको रखना चाहिए या इसको रिटर्न कर देना चाहिए। खैर, तो चलिए अभी हम अपना पिटारा खोलने वाले हैं, जिसमें है बहुत सारे, आई गेस 4-5 कुछ तो है, एंड एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो चलो फटाफट से हम इसको खोलते हैं। यार मुझे पता है आप सोच रहे हो कितनी मेहनत क्यों करिए, कैची ले ले, आप उसको ढूंढे कौन यार।
प्यारे कपड़े आगे। मैं इसको एक कमीज से फाड़ती हूँ, क्या पता मुझे उसको रिटर्न करना पड़ जाए और फिर वो भैया बोले कि हम नहीं ले रहे इसे, गंदे तरीके से तुमने फाड़ा है। तो इसमें है 4 pieces। यार ये वाला जब मैंने देखा था ना, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं तो चलो इसको पहले पहन कर आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत क्यूट है, इसी जीन्स के ऊपर से पहन पहन के दिखा रही हूँ। वैसे तो आप समझ रहे हो ना, अगर मैं सच में पहनूंगी तो मैं अच्छे से रेडी भी होंगी। सो मैं अभी आई दोस्तों। हे सुपर क्यूट यार, बहुत क्यूट है ये। चलो घर में पहन के आती हूँ फिर देखते हैं। यार ये है 2nd piece, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये अगेन यार मैं इसको ना पास से दिखाती हूँ, यार मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। एक तो जो ये कलर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है ना, ये बेबी पिंक एंड व्हाइट, एंड स्पेशली अगर मैं इस कॉलर के डिजाइन की बात करूँ ना, बहुत क्यूट है। एंड मतलब हाँ अगेन छोटा है, अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरा पेट दिख जाएगा, लेकिन ठीक है यार इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं ना। आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है एंड फिर भी मैं क्यूट लग रही हूँ। आप समझ रहे हो अगर मैं रेडी होके पहनूंगी इसको, आई जस्ट लव दैट। लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ठंड के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं इसको विंटर वेयर में एंड इवन जब यू नो थोड़ी थोड़ी सी ठंड होगी, समर में पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी गर्मी आपको लगने वाली नहीं है। सो विंटर एंड समर दोनों में ही मैं फिटिंग कपड़े इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उतना चिपका चिपका टाइट लगता है तो मेरा दम घुटता है। ये फिटेड है बिल्कुल मेरे बॉडी को, इससे फिट हो गया, मतलब वन साइज कैसे फिट हो सकता है यार, हो गया। एंड बिल्कुल भी इतना वो क्या कहते हैं उसको, चिपका चिपका नहीं है कि मुझे इरिटेशन हो, बहुत स्ट्रेचेबल है बहुत। अगर आप मुझसे साइज में थोड़े से कम या थोड़े से ज्यादा हो फिर भी आपके बॉडी को फिट कर देगा बिकॉज इट इज स्ट्रेचेबल। मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये। I'm so happy with this product also. अमीरों वाली फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना मैंने सिर्फ इसको पहन के मैं अमीर हो चुकी हूँ, लेकिन सच्चाई तो मेरा दिल जानता है। लेकिन क्या हो गया, देखने में तो मैं अमीर लग रही हूँ ना। हाय बड़ा मजा आया मुझे, मतलब मैं जनरली ऐसे क्रॉप टॉप्स लेती नहीं क्योंकि मुझे खुद में लगता है कि मैं कैसी लगूंगी, लेकिन मुझे इन दोनों को पहन के बहुत क्यूट लग रहा है। स्पेशली अगर मैं इसको करूँ तो मैं 10 out of 10 है इसके लिए, फिटिंग वाइज, लुक वाइज, कलर वाइज, मटेरियल वाइज। क्यों सब दुनिया के लोग आ जाते हैं मेरी गली में जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ। धन्य हो भैया जी, प्लीज जाओ मुझे वीडियो शूट करने दो यार। सो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। आई नो कि मैं भी रेडी नहीं हुई हूँ, लेकिन बिना रेडी सिर्फ पहनने से मैं अमीर लग रही हूँ, मतलब अमीर वाली वाइब आ रही है मुझे एंड मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो शायद मैं इसको रख लूँ, लेकिन हाँ मैं इसको आई कीप इट, इसका तो मैं श्योर हूँ एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस। नेक्स्ट है ये, एंड तो नेक्स्ट है बहुत क्यूट सा कलर। यार मुझे ना पता है जो हाथ से बनाए स्वेटर होते हैं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास नहीं है एक भी हाथ से बनाया हुआ स्वेटर। जब मैंने इसको देखा था ना मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आई थी कि हाथ से बना हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे का है। चलो हम इसको पहन कर आते हैं। लेकिन एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, सारे कपड़े इतने स्ट्रेचेबल है ना कि अगर हमारा साइज ज्यादा है कम है, सी द स्ट्रेचेबिलिटी, अच्छे खासे लोगों को आ जाएगा। सो अगर आपका साइज कुछ भी है आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो मैं इसको भी पहन कर आती हूँ, वैसे कलर देखने में तो अच्छा लग रहा है सी, क्यूट क्यूट। चलो मैं पहन कर आती हूँ। सो ये है 3rd piece अर्बेनिक से, इसका कलर बहुत क्यूट लग रहा है ना, लेकिन ये मतलब सर कलर बहुत खूबसूरत है, फिटिंग भी आ गई है, लेकिन अगेन मैंने ये तीसरा वाला पहना है। मैं आपको सच बताऊं ये इतने कंफर्टेबल कपड़े हैं ना, पहन के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ पहन रखा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि इतने सॉफ्ट है, इतने कंफर्टेबल है, क्योंकि विंटर के जितने कपड़े होते हैं ना इतनी इरिटेशन होती है, तो मोटा मोटा हम पहन लेते हैं, पता है मुझे ठंड से बचा लेते हैं, लेकिन बहुत इरिटेशन होती है। सो ये था भैया 30 piece number 3 एंड
शायद मैं इसको रिटर्न कर दूं, क्योंकि मुझे एकदम पहन के ऐसे वाव वाली फीलिंग है, जैसे मेरा सेकंड वाला पीस था या फर्स्ट वाला भी मेरे को अच्छा लगा, बट ये थोड़ा सा मुझे आई विल नॉट फील कम्फर्टेबल। सो मैं इसको दूंगी 3 out of 5। बस मैं 3 इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे को दिल से आ नहीं रहा कि मैं इसको 5 दूँ। बाकी तो ये प्यारा है, सुंदर है, कलर बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है। एंड मेरे बॉडी को तो इन सारे कपड़ों ने ऐसे हग कर लिया ना, जैसे कि मुझे इस हग की कब से ज़रूरत थी। चलो तो अभी हमारे पास दो और पीसेस बचे हुए हैं। ये तो इतना छोटू सा था ना, मतलब ये बहुत क्रॉप टॉप है, ये विंटर वेयर के कलेक्शन में तो था, मैंने विंटर वेयर के लिए भी लिया है, लेकिन सिर्फ नाम के विंटर वेयर है, ऐसा कुछ ठंडी से आपको बचाना तो है नहीं, लेकिन फैशन के नाम पे हम ले लेते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट पीस, बहुत ही खूबसूरत सा छोटू सा, आई होप ये मुझे फिट आ जाए। यार ये रुमाल सा लग रहा है, एकदम जालीदार है ये, सी आई कैन सी थ्रू है। मुझे नहीं रखने देगी मेरी मम्मी, मुझे नहीं रखने देगी मेरी मम्मी, मुझे नहीं रखने देगी अगर इन्होंने देख लिया ना। यार ये एक मुट्ठी, can you believe this, ये पूरा टॉप एक मुट्ठी में आ गया है, वो तो नीचे अंदर कार्ड है इसलिए, अदरवाइज ये एक मुट्ठी का कपड़ा है। एंड कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मतलब सूरज निकलना बंद हो जाए, चांद छुपना बंद कर दे, लेकिन मेरी मम्मी ये अलाउ कर दे, कभी भी नहीं। खैर मम्मी अलाउ करे ना करे, मैं ये पहन के देख तो लूँ कि मैं खुद मतलब कंफर्टेबल फील करूँगी या नहीं करूँगी, बट ये बहुत क्यूट है। चलो मैं इसको पहन कर आती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। यार ये ना बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा सुंदर सा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मेरी मम्मी मुझे परमिशन ही नहीं देंगी पहनने के लिए, मेरा मार मार के ना मोर बना देगी। अर्चना कहती है ना मार मार के मोर बना दूंगी, मम्मी ने अगर ये देख लिया ना तो पक्का कहेंगे कि मार मार के मोर बना दूंगी, लेकिन मैं इसके लिए कंफ्यूज हूँ कि मुझे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर डेनिम डालूं, एक सेकंड, डेनिम के ऊपर सही लग रहा है, बट जो मेन इसका लुक आ रहा है ना वो आ रहा है बिना डेनिम के ना, ऊपर से इसका इतना प्यारा सा। यार ये सारे कपड़ों में कितने बार से लग रहा है, बहुत सुंदर है यार, कंफर्टेबल भी है, मुझे लग रहा था कि बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, सो नाइस। ओ बेबी आई लव दिस, आई एम लुकिंग सो क्यूट। क्या मुझे इसको रख लेना चाहिए, मुझे बहुत सुंदर तो लग रहा है, लेकिन या इतना भी रिवीलिंग नहीं है, मतलब ठीक है, जस्ट फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। हाई वेस्ट जीन्स, इससे थोड़ी सी ऊपर की जीन्स अगर मैं डाल लूँ तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो शायद मैं इसको रख लूँ, देखते हैं। बट आई विल गिव इट 5 out of 5 क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल है, ट्रांसपेरेंट हो के भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस हमें इसके अंदर ने स्ट्रैपलेस ब्रा देगी एंड दैट इज इट, इतना तो मैनेज कर सकते हैं, बहुत क्यूट है ना। लास्ट बाकी है तो चलो मैं इसको फटाफट से मैं पहन के आती हूँ। लास्ट वाला ना मैंने एक पर्पस के कारण लास्ट वाला मंगाया है एंड शायद मैं इसको रखूँ, बस मैं इसको फटाक से एक बार पहन के आ जाती हूँ। तो मैं अभी आई दोस्तों, सुंदर लग रही हूँ यार। सो ये है पीस नंबर 3, मैंने इसको अपने अंदर इसी के ऊपर पहन लिया है क्योंकि ये ठीक है ऐसा। यार क्या यार इसके ना एक सेकेंड देख लूँ, ये सब कुछ ना मतलब जो हाथ से घर पे ऊन से बनाते हैं ना ऐसे बनाया गया है, ये बहुत खूबसूरत है यार। और मैं हाँ पहले मैं ये बता दूं कि मैं किस सेलिब्रिटी की बात कर रही थी, तो मैं कर रही हूँ शहनाज गिल, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने सिमिलर पीस पहना था एंड मैंने जब से उनको देखा तो मुझे बहुत क्यूट लगी पहली बात तो, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिक्रिएट हर दैट लुक, एंड मुझे लक के लिए अर्बेनिक पे दिख गया, सुंदर है, बहुत स्टाइलिश लुक आ रहा है एंड बहुत प्यारा भी है, मतलब इसको कहीं कोई क्यों नहीं लेगा। आप मैं आपको बताऊँ, अगर आप मैं जितने पास देखे हैं ना आप ये तो ले ही लो,
वार्म है, गर्म है. मतलब अगर आप मान लो शिमला मनाली का प्लान कर रहे हो ना, यू कैन जस्ट वेयर दिस. एंड अंदर जो मैंने ये पहना है ना, मतलब कि मैं इसको इस तरीके से पहन सकती हूँ, क्योंकि देखो ये अगर ऊन का पूरा बना हुआ है तो फोर श्योर इसके अंदर मुझे कुछ पहनना पड़ेगा. मैं सीधा ये नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि यहाँ से भी दिखेगा. एंड अगर मान लो बहुत सनी सा हो जाएगा एंड बहुत वेदर है, सो मैं इसको ऐसे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अंदर ऑलरेडी एक ये पहन रखा है. एंड इवन ओ एक सेकेंड, हम इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं. ये बहुत खूबसूरत लग रहा है. यार मुझे ना अपनी चॉइसेस पे एंड कपड़े जो मैं सिलेक्ट करती हूँ उस पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है. मतलब मैंने पांचों कपड़े दिखाए हैं आपको, बस जो मैंने सेकेंड या थर्ड नंबर पर स्काई ब्लू पहना था वो मेरे ऊपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल है. इसका कलर वाइज सब कुछ अच्छा है. एंड इवन सारे ही कपड़े बहुत क्यूट है यार. बहुत खुशी हो रही है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अर्बेनिक बहुत अच्छा रहा है. जितने भी मैंने शॉपिंग की है एकदम से रिच वाली लुक आ रही है, एकदम अच्छा सा लग रहा है, खुशी हो रही है. कम मेकअप में भी क्यूट लग रही हूँ और क्या चाहिए. एंड ये तो यार मतलब ज्यादा ठंड भी अगर पहन सकते हैं इसको. आई एम सो हैप्पी. So yes everyone, that is it. I hope you all have liked this video. आपको इन पांचों छहों में से कौन सा सबसे प्यारा लग रहा है, सो प्लीज कॉमेंट डाउन. And yeah, lots of love. Bye.